3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I have a few people to thank, and Remo is a man of few words, so I'm going to thank his wife Lizelle on his behalf to start with, in case he's too shy. She's been an incredible support to him and to all of us in the course of the making of this movie. So I wanted to thank her to start with. At Disney India, I want to thank Abhinav and Salona for being around and, you know, being an incredible pillars of strength in the course of the making of the movie. I want to thank Vishwas, who's ensuring that the post-production of this film happens smoothly. I want to thank the marketing and distribution team, Amrita, Sandeep, Yogi, Tammy, and the whole team for all the work that they're putting into ensuring that this movie looks as good as it can look when it comes out to you guys. And before this turns into an Oscar acceptance speech, I shall hand the mic over to Remo to tell us what he thinks of this journey. Sanju. Hello, everyone. I think Siddharth ne sab kuch bol hi diya hai nahin, film ke. We're not gonna let you get away that easy. Come on, Remo. ABCD 1 jab maine start kiya tha, to thank you Siddharth. First I would say thanks ki aisi film ko support kiya aap logon ne, and dance ko main bahut manta hu, isliye maine ye script likhi thi, aur mere sath Tushar aur Mayur the us waqt, aur fir humne wo banayi, Disney UTV ne support kiya usko, and then आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ABCD 2 बनाए, वो भी इस लेवल पे बनाए, और बड़े बड़े एक्टर्स हमारे पास आ जाएँ, जैसे श्रद्धा हैं, वरुण हैं, प्रभु सर मेरे लिए ऑलवेज द बिगेस्ट स्टार हैं, मेरे आइडल हैं, तो ये तो हर ABCD में रहेंगे मेरे साथ. सो यस, ये जो ABCD 1 जब लिखी थी हमने, तब सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, और मिला. एंड देन ABCD 2 जब ABCD 1 ख़त्म हो रही थी, तभी एंड में मुझे ये स्टोरी मिल गई थी, क्योंकि ये फिल्म ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है. फिक्टिशियस ग्रुप, एक ग्रुप है नाला सुपारा से, उनकी कहानी है ये, और किस तरीके से वो एक छोटे से शहर से निकल के अमेरिका वेगस जाके वर्ल्ड चैम्पियंस के साथ कर लिया था इन लोगों ने. सो उसी की कहानी है. ऐसा कुछ हमने उसको ज़्यादा ट्वीक नहीं किया, क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी थी इनकी, उसी को हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है, जिसको लिखने में और फिल्म बनाने में तुषार एंड मयूर का बहुत बड़ा हाथ. थैंक यू तुषार एंड मयूर, एंड थैंक यू सचिन एंड जिगर. आई थिंक यू गाइस, आई डोंट नो, ये ABCD अगर इस लेवल पे पहुंचा है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर डांस फिल्म में, अब वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह किया है, और इस फिल्म में पहले से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक है. एंड ऑल द एक्टर्स, माय टीम, माय एडी टीम, माय आर्ट डायरेक्शन, टू कैमरा, टू स्पॉट बॉय, टू एवरीवन, आई थिंक थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग की वजह से ही ये फिल्म आज इस मुकाम पर पहुंचा है. सो थैंक यू सो मच. एंड नाउ वुड प्रभु सर लाइक टू से समथिंग? गुड मॉर्निंग. एक्चुअली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट जर्नी. थैंक्स टू रेमो एंड सिद्धार्थ सर, एंड थैंक्स टू ऑल द डांसर्स हु मेड मी नो 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 tough. They are very tough this time. Last time it was tough, this time it was tougher, right? And it was a superb experience working with Varun and Shraddha, and they are two are very good in the film. They are too good in the film. I must say about Varun and Shraddha, lekin aap seriously, mujhe laga tha jab maine मुझे इतने बड़े स्टार्स में जब हाँ बोल दिया था फिल्म के लिए, मुझे लगा कि शायद मुझे
कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, शायद उस लेवल पे डांस ना हो पाए या फिर कहीं कुछ एक्टर्स हैं तो वैसा बिहेव करना पड़ेगा. बट ट्रस्ट मी, जब आप फिल्म देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है. और हैट्स ऑफ टू देम कि इतना रिहर्सल करना और इट्स ऐसे डांसर्स के साथ खड़े होके इस तरीके से परफॉर्म करना, ग्रेट, सुपर सुपर. एंड मेरी ABCD फैमिली पहले बन चुकी थी उसमें से, और बढ़ गई है अभी, और उन्होंने श्रद्धा भी आ गया उसमें से. श्रद्धा, I don't know what to say actually. Sir, आप कह रहे हो कि आपने हमें लिया है, हम कह रहे कि you've taken us in your big film. This film has like totally changed my life. And it's genuinely something that all you dancers, yeah, I mean, it's only because of you guys, because of Remo sir. रेमो सर ने मुझे कभी ऐसे नहीं महसूस होने दिया कि यू नो शी इज़ नॉट डांस बिफोर, नहीं कर पाएगी. सो दैट पॉजिटिविटी एंड दैट लव एंड दैट इनकरेजमेंट एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर, फिक्टिशियस बॉयज एंड ऑल द डांसर्स, जो हम ये जो फ्रेंडशिप हमने इस फिल्म के थ्रू एस्टैब्लिश develop ki hai, it's going to be there forever. So Remo sir, thank you for this experience, thank you Sid for this experience, it's for a lifetime. And finally the Badlapur boy who has transformed into another character altogether in this one, Varun. See, I've come here to have a lot of fun because I've not had fun a couple of months, so I've come here genuinely to have a lot of fun and tear the house down. And I have a lot to say because everyone here, like Shraddha said, is my family now. So we are like a big family over here right now sitting. So once you see the trailer, I think then we'll talk. And once you see the trailer, you'll know what the real importance of this film is. So I don't want to speak right now, but once the trailer's out, I'll say something. Super. Should we do the photo op thing now or later? No, we do that later. बाद में करते हैं ना, इधर ही हम लोग. Fine. Okay, so just a couple of things I wanted to say before that, and then we'll all take our seats and let you enjoy what's to come. You know, as the Walt Disney Company, what we try to do with our movies is we worldwide try to create franchises, right? Now, sequels traditionally in Indian cinema have been doing really well, but those are not franchises. What a franchise means is when the movie lives beyond just a movie, and you know. We've got the unique ability to be able to do that, and we're thankful for that. But what we're trying to do with ABCD really is to take it across television, to take it across consumer products, to create a mobile game, and you know, to really create an integrated experience for the audiences who've lived with and loved ABCD. So we just wanted to give you a sneak peek of that before we move on to the trailer. This really shows you how we're bringing the whole of the Walt Disney Company in India together to create a memorable experience for all our fans. So enjoy that, and then the trailer after that. Thank you. जैसे फिक्टिशियस ग्रुप यहाँ पे है. सो फर्स्ट अ बिग थैंक यू टू दीज बॉयज, अ बिग थैंक यू टू ऑल दीज बॉयज, क्योंकि रात के 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे कभी भी मैं और श्रद्धा आते थे. दीज बॉयज वुड कैच ट्रेन्स, गाड़ी से, रिक्शा से, चल के, कुछ भी, पर उधर पहुंच जाते थे हम लोग को ट्रेन करने के लिए, जो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सुरेश कि तूने हम लोग को इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया. थैंक यू वर्नन, एंड जस्ट ओवरऑल big big heartfelt thank you to all of you. Secondly to all the boys jo meri family ki tarah hai, sab log jo picture mein hai, jo main abhi dekh sakta hu, un sab ko idhar baithe hai, Sumit, Mohan, chota Praveen, Sushi to mera bhai hai, he's playing Vernon in the film, and he in fact mera jo pehla gana tha disco diwane mein jab Remo sir ne choreograph kiya tha, Sushi was the one who taught me, aur aaj hum log ne sath mein acting kiya hai. फिर अपना राघव भाई किधर है भाई, तू ठीक है ना, सब कुछ भाई ठीक है, नेपाल में सब कुछ अच्छा था, बहुत घूम के आए वापस आए, बट इज सुपर टैलेंटेड, कान मिस आउट डी, जिसके वजह जिन्होंने मुझे भी सिखाया है गानों में. बेस्ट डी, डी है या चला गया वो, डी डी यूनिट. सो टू मच लव, एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू नो कि इस फिल्म के बाद मैं जानता नहीं हूँ कि हम लोग कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, ये लोग कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू नो that you all are like my family, and I'm going to always be there for you because I'll never forget this experience. Second,
तुषार जिसकी वजह से मैं ये पिक्चर में हूँ, आई रिमेंबर, क्योंकि तुषार ने पहला ABCD लिखा था एंड आई वुड कीप टॉकिंग टू अबाउट ABCD सेइंग कि कौन से एक्टर को लोगे, इसको ले लो, उसको ले लो, एंड आई थिंक इसने मेरी दिल की बात पढ़ ली कि आई वॉन्टेड टू डू दिस फिल्म. एंड बहुत शाना है तो ये आके मुझे बोला यार ABCD रेमोसोमाइट कम टू, बट तू मत कर यार, तुझसे नहीं होगा. तो उस वक्त मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने बोला चलो मे बी. देन रात को जब मैं बाहर गया था पार्टी में और मैंने पानी पिया तो मैंने रियलाइज किया कि यार मतलब पानी का मतलब समझ लो आप लोग. तो मैं बोला यार मैं नहीं कर सकता का मतलब क्या है. तो मैंने उसको फोन किया, साले क्या मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूँगा यार, मेरे को ABCD करनी है. एंड देन द बॉल स्टार्ट रोलिंग. सचिन जिगर जिनके साथ आई थिंक वी आर अ टीम नाउ, आई थिंक सचिन जिगर वरुण कर दो बिकॉज हमटी बदलापुर एंड नाउ हम लोग का हैट्रिक हो जाएगा होपफुली. सो थैंक यू गाइज. एंड मयूर थैंक यू फॉर ऑल द डायलॉग्स एंड ऑल द हेल्प थ्रू आउट. मनन ऑल्सो आई वर्क विद बिफोर, थैंक यू सो मच. एंड अमित थैंक यू सो मच फॉर द ट्रेलर. एंड आई हैव टू थैंक द डिज्नी टीम जिसको जिनको मैंने बहुत इरिटेट किया है काफ़ी कुछ दिनों में. योगी जिनका BP थोड़ा ऊपर चला गया था, ICU में एडमिट हुए थे पर बाहर आ गए अभी. बट थैंक यू ऑल, बिग बिग थैंक यू टू फुल डिज्नी टीम फॉर द कॉपरेशन एंड फॉर दिस, बिकॉज आई लव 3D एंड आई वॉज वेटिंग कि 3D कब आएगा हमारे देश में एंड 3D इज हियर. सो now so should we open up to some Q&As now? Hi, what's up Alo? मैं ठीक हूँ वरुण, आप कैसे हैं? सवाल हाय श्रद्धा, पूरी टीम को पहले मुबारकबाद की, अच्छा सा ट्रेलर है हिप हॉप एवरीबडी. प्रभु सर आपसे सवाल है और प्लीज बोलिएगा थोड़ा ज्यादा कि आपको कहा जाता है अभी वरुण ने भी बोला कि आप सचिन तेंदुलकर हैं डांस के. बचपन कैसा था आपका और किस तरीके से डांस आपके अंदर ऐसा खेला कि सभी के लिए आप लेजेंड हो गए? सर हिंदी में तो अंडरस्टूड समझ गए. I was not good at studies, so no option. So my father was a choreographer. Sir, अभी भी तीन शब्द बोले आपने. वरुण श्रद्धा आपसे सवाल है कि second chance में कितना यकीन रखते हैं आप, एक एक करके प्लीज बताइए. मैं यहाँ पे पहुंची हूँ second नहीं third chance की वजह से. मेरी पहली दो फिल्में जो है ज्यादा लोग देखने नहीं गए थे, तो आई एम अ रिजल्ट ऑफ अ थर्ड चांस. सो बहुत सेकंड चांस ही नहीं, सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ चांस में भी मानती हूँ. आई थिंक सिमिलरली लाइक व्हाट द फिल्म इज अबाउट, आई रियली बिलीव इन कमबैक्स. मैं कमबैक में बिलीव करता हूँ कि क्योंकि हमेशा हम एक इंसान के जीवन में देखता है जस्ट बिकॉज अ मैन इज डाउन एंड आउट नाउ डजंट मीन कि वो वापस नहीं आ सकता, कुछ और नहीं कर सकता. एंड मेरे साथ वो हमेशा होता है जब मैं पहली बार कुछ करता हूँ. मुझे याद है बेजुबा गाने में भी जब गाना शुरू हुआ था तो मैं बहुत ठंडा कर रहा था, पता नहीं क्या था मुझे, इनफैक्ट शोल्डर और बैक में एक इंजरी हो गई थी एंड आई वॉज नॉट एज एनर्जेटिक एज द होल टीम. और एक पोर्शन है वो गाने में जहाँ मुझे मेरे जो चार भाई है पिक्चर में वो लोग मेरे को फ्लिप करते हैं एंड आई टेक अ समरसॉल्ट एंड आई लैंड और पानी था नीचे. और मुझे याद है जब वो फ्लिप हुआ था ना एंड व्हेन आई जस्ट स्टूड लाइक दैट आई सेड अच्छा अभी ABCD2 में आ गया. And so I do believe in second chances totally, and this film is all about that. Varun sir, as we all know, you're a big Govinda fan. So, as we all know, you're a big Govinda fan. So, will we see Govinda steps in this film or Prabhu Deva steps? You will see Indian steps, and Indian steps obviously are Govinda, Prabhu Deva, Shammi Kapoor. You will see everything that India is made out of. Yeah, there's a small section which is a homage to Chichi Bhaiya in the film, but definitely Prabhu sir is a mentor, and the reason why you might not see me doing Prabhu Deva steps is because I've done Prabhu Deva steps, but they don't look like Prabhu Deva steps. Because only Prabhu Deva can do Prabhu Deva steps. After doing a dark film like Badlapur, was it a great relief to do this film? Dude, the biggest relief in my life, I always say this, that ABCD2 was my rehab. जब मैं डांस के लिए आता था दाढ़ी के साथ, ये सब मुझे देख के ऐसे ऐसे देखते थे कि ये कौन पागल आते हैं बिगिनिंग में. आई रिमेंबर थोड़ा, आई रिमेंबर डी ने मेरे को एक बार वो कुछ सिखा रहा था स्टेप एंड ही सेड कि आप इधर हो पर नहीं हो. तो मैं उसको देखा कि नहीं, मतलब बॉडी है इधर पर माइंड नहीं है. तो ही सेड बॉडी और माइंड दोनों को लेके आना तब स्टेप बैठेगा. एंड आई हैव टू माई थेरेपिस्ट श्रद्धा कपूर हु वॉज वेरी वेरी नाइस टू मी व्हेन आई स्पोक सम weird stuff to on the first day. बहुत random rambling हुई first 3 days. So I was like, he's still in Badlapur, his dimag is in Badlapur, but his body is here in ABCD2. But then धीरे धीरे ABCD2 का इलाज
असर करने लग गया उस पर. सिद्धार्थ वरुण सेड या वरुण सेड दैट ही इरिटेटेड डिज्नी इलैबोरेट. I think I'll leave that to the behind the scenes in the making of to elaborate rather than now. But suffice it to say that, you know, we enjoy it when actors irritate us in inverted commas rather than when they are not really that interested in the process. So we actually enjoy that much more. Sir, ABCD ka kitna sequel banane ka irada hai? Samne. Till we have audiences who want to watch it, you know. So the whole idea of building it as a franchise is so that it lives on into successive generations. So we have no limit to the number that we can make, provided that we are able to give audiences something that they enjoy. Remo, how? What do you have to say? Varun said he believes in not impressing or expressing. What was that dialogue? What do you have? What do you find about Varun? Dance to express, not to impress. Yeah. So what do you say? What did he do? Both the things to you, or what was it like? मैं भी वही देखता हूँ कि कितना express कर पाते हैं अपने आप को ये. तो वही इन्होंने express ही किया है कि इनको ये करनी है. तभी मैंने film. अरे whose choice was Varun? प्रभु, कुछ अब पेशंगा. पेशला नंबर तमिल ला पेशला. It's director choice. हाँ. Of course director choice. Yeah. Okay. रेमो यहाँ पे एक सवाल आपसे है. स्ट्रेट सेंटर ओवर डांस रियलिटी शोज जो होते हैं वहाँ पे किस तरह का प्लेटफॉर्म होता है जो डांसर्स होते हैं अगर आपको कुछ है तो? मुझे नहीं लगता इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा. आई थिंक डांस रियलिटी का ये सबसे बड़ा ये है. आप देख सकते हैं इसमें जितने भी वरुण के साथ श्रद्धा के साथ जितने भी मेरे एक्टर्स हैं 70% वो सारे रियलिटी शो से है. रेमो हाय, दिस इज सम. इसके बाद के जो सीक्वल्स होंगे वो क्या फिर से ऑडिशन से ही होंगे या मतलब इंडिया का बहुत जो डीप में जो टैलेंट है जी वो कितना ऊपर आएगा या हर बार मेरी कोशिश यही रही है कि मैं इंडिया में जो चल रहा है उसी के ऊपर मैं फिल्म बनाऊँ. और मेरी ABCD1 भी मैंने उसी पर बनाई थी. और जो डांसेस हैं वो हर वक्त ऐसे ही सब लोगों को लगता है कि जब मैंने ABCD1 बनाई थी सब लोगों को लगा था ये तो कॉपी कर रहा है स्टेप अप की. बट फिल्म देखने के बाद आज तक किसी ने नहीं बोला है कि वो स्टेप अप कॉपी है. अब ये मैंने बनाई है तो ये भी सब लोगों को लग रहा है कि ये भी कॉपी है. बट प्लीज़ फिल्म देखिए उसके बाद डिसाइड करिए कि ये कॉपी है कि नहीं. अमंग श्रद्धा एंड वरुण हु इज अ बेटर डांसर अकॉर्डिंग टू यू? कौन है बॉयज? Sushant. I think both of them are fantastic. आप देखिए फिल्म देखिए आपको पता चलेगा. Varun, my next question is for you. फिल्म में तो आपने काफी सारे डांस फॉर्म्स किए हैं, but ताल डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? टावल डांस. I think of towel dance. अच्छा है बाथरूम में करेगा इंसान तो ठीक है, बाहर नहीं करना चाहिए. But मैंने सिल्क किया है पहली बार. It's in my aerial silk, first time I did it and बहुत अच्छा concept था रेमो सर का. एंड पुनीत जो झलक दिखला जब पे बहुत दिखे और बहुत पॉपुलर है उन्होंने बहुत मदद की ये सेट करने में एंड कंसेप्चुलाइज करने में. और बहुत सुंदर तरीके इमोशनल गाना है. सो लिप सिंक नहीं है उसमें. द सॉन्ग इज गोइंग ऑन बिहाइंड एंड लाइक आई सेड वी डांस टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड शोइंग द पेन फ्रॉम विद इन और वॉट आई वॉन्ट टू से थ्रू माई डांस. बहुत अच्छा सवाल है आपका. प्लीज एक चीज़ क्लियर हो जाएगी. ये ABCD1 और ABCD2 में कोई कनेक्शन नहीं है. ये टोटल डिफरेंट स्टोरी है. ABCD1 टोटल डिफरेंट स्टोरी थी, ये टोटल डिफरेंट स्टोरी है. सो इस वाले कहानी में मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं था जो मैं KK जी को लूँ. दैट्स व्हाई इट्स नॉट देयर. हेलो, एक सवाल मेरा है. मैं इधर ये फिक्टिशियस ग्रुप पे ये कहानी है. सुरेश मेन है, उनके साथ श्रद्धा है. रियल में जो सुरेश है उनके साथ श्रद्धा कौन है? उनकी है सुरेश. खड़े हो जा, तेरी विनी किधर है? हाँ विनी नहीं है. अच्छा ये लड़का है एक्चुअली. सुरेश की भी विनी है. उसकी शादी हो गई है. उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है. उसको देख के ऐसे लगता है कि वो बैचलर है. नहीं, पर शादी हो गई है उसकी.
और सुरेश के साथ ज़्यादातर तो वर्णन नहीं रहता है, तो कई कई बार लोगों को लगता है कि उन दोनों की शादी हो गई है, बट दोनों के पास रिस्पेक्टिव गर्ल्स हैं। एक सवाल मेरे सिद्धार्थ साहब से है, यही हूँ, ये फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा बताइए, बिंदास पे किस तरह से रहेगा, क्या होगा उसमें? जी, सो द एज वी शोड यू जस्ट नाउ, हम क्या कर रहे हैं बिंदास पे, वी आर डूइंग अ टीवी शो व्हिच इज सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ डांस, द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ द मूवी व्हिच वी ऑल होप फॉर. We want to take it into consumer products, into mobile games, into television shows, into lots of things that actually run across various verticals of our company. And of course, we have a channel called Bindas, which caters to a youth audience, at 15 to 24 youth audience. It reaches out to around 60% of them across the country. And that's the idea of doing this show. Sir, this brand would be international or national? Matlab, this franchisees are going to be international or only in India? See, we'll be reaching out to South Asians, like really around the world. You've got 30 million South Asians outside of India, and who love the film industry, who love Bollywood. And the idea would be to take this film to all of them. And sure, if it goes wider, why not? But of course, our own audience actually is enough to satisfy us and has been for all these years. Sir, is ABCD, the next part, are going to see some international faces or the dancers? Or, you know, it's really early and that's a question Remo will have to answer. Right now, we're all focused on ABCD 2 and we want to put all our energies into this, but sure, I think Remo comes up with new ideas all the time. One sneak peek, we'll just want to give you, since you spoke about international dancers, you've got one of the biggest international dancers in our film called Lauren, who was in the first one as well, and I don't know where she's sitting Lauren? Right now, but Lauren, what's up? But Lauren has collectively taught me and Shraddha through this film a lot, because she's very learned about dance. She always says, keep the step in the pocket, last minute, keep it in the pocket. I always remember that what she taught me. And she's amazing, and I had the good opportunity of dancing with her. I had the opportunity to be trained by her. There are a lot of sequences where we are dancing together, and she is a dancing queen and diva and all of that. And I had to match up with her. So thank you, Lauren, for being patient and teaching me the steps, and Remo sir for making sure that we match each other as much as we can. Yeah. हाय वरुण, श्रद्धा, रिलीज से पहले ही मैं आलोक बोल रहा था, बट मर्चेंडाइज आ रही हैं और टीवी शो में भी ये फॉर्मेट जा रहा है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, थोड़ा सा आप दोनों भी बताना चाहें। आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है मेरी किसी पिक्चर के साथ, इनकी किसी पिक्चर के साथ, एंड जो भी आप देखोगे बैग्स कैब्स जैसे हम लोग ने अभी देखा ये में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे थे। तुषार ने ऑलरेडी एक दो कैब मांग लिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इन द वेस्ट वी ऑलवेज सी विद सुपर हीरो फिल्म्स और फ्रेंचाइजी फिल्म्स दैट मर्चेंडाइज एड्स टू द वैल्यू, एंड सेम वे ABCD 1 कितने फैंस थे बच्चे और पागल हो जाते थे और स्टेप्स कॉपी करते थे, सो आई एम होपिंग ABCD 2 के बाद और भी होगा, एंड वी एक्चुअली डूइंग द स्टेप्स इन द मर्चेंडाइज, सो यू विल गेट टू सी दैट एंड होपफुली द फैंस विल बी गेटिंग रॉयल्टी फ्रॉम दैट। Will you want some? Both. Thoda bahut. I don't think we've gotten into that, but maybe. I'm happy to be wearing it because I'll send my lawyers to you. Can give them some tips. Like the way you think. Hello, Varun. क्या आपको मौका मिला प्रभु देवा सर के साथ पैर फिरकाने का? हाँ, बिल्कुल मौका मिला मेरे को, रेमो सर को बहुत प्लीट करना था कि प्लीज मुझे ये चांस दो. In the beginning, he was not letting me do it because it was not in the script or there was no need. But मैंने actually background में like a background dancer मैंने इस film में dance भी किया है behind Prabhu sir, and actually मुझे इतना डर लगा था पहली बार, क्योंकि मैं हमेशा आगे खड़े होकर dance कर रहा हूँ, but if there's a man standing ahead of you who's dancing at twice the speed, तो you're like अरे ये, and मैं सच बोलूँ सेम स्टेप आप इनको सिखा दो, मुझे सिखा दो, किसी को भी सिखा दो, बट जब ये करते हैं स्टेप तो स्टेप डिफरेंट लगता है, आई डोंट नो, वो मेरे को, एंड मैंने सब बॉयज़ के साथ डिस्कस भी किया था कि ये कौन सा स्टाइल है भाई, ये किधर से आए, क्या है, एंड दैट्स जस्ट प्रभु देवा, आई थिंक यू कांट, उनके बॉडी से जो निकलता है वो बस विल फूल यू सो बैडली, ही विल कम फॉर रिहर्सल, ही विल सी द स्टेप एंड देन ही विल बी लाइक दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज सो टफ, एंड यू कम बैक इन 3.5 मिनट्स एंड ही नोज़ इट, करके दिखाओ। अरे अभी इतना ट्रेलर दिखाया है। लाइट डेमो। हाय वरुण, यो वरुण, व्हाट वुड बी योर लुक, यू गिव अ थम्स अप फॉर बदलापुर और ABCD? राइट, ABCD.
Okay. I'm living, breathing, eating, sleeping, everything, only ABCD2 till June 19. This film is my life. I've given in as much effort in this film like I've given in Badlapur. Physically, you don't understand how hard it is for what these dancers do. Some of the boys, Chandan, who was a B-boy and he fell in India, we don't have that infrastructure. We don't have mats given to these boys. They practice on streets, they practice on grounds, they practice on just little grass they'll practice. They've broken their wrist, they've broken their arm. So this film is to all the dancers out there because they are the real heroes. Varun and Remo, sir, you both are having the same tattoos on your right hands. What's the story behind this? नहीं हम लोग लुक डिसाइड कर रहे थे कि क्या लुक होगा तो मैंने कहा कि यू शुड हैव टैटू बिकॉज एवरी डांसर टैटू होता ही है उनके उसमें एक लुक सेट हो जाता है तो जब टैटू की बात हुई तो फट से इन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली ऐसी टैटू कराना है सो आई सेड ठीक है सिर्फ यही कराना है बाकी कुछ मत कराना परमानेंट नो इट्स नॉट बट यू फील इट्स परमानेंट डोंट यू That's the whole idea. Shraddha ne bhi kara hai, jo Lizelle ma'am ke tattoo hai, who's Remo sir's wife. Yeah. Shraddha has got that done. So I don't have it today, but it's in the film. It's there. It'll come. Yeah, thank you. Varun, why is it so? Yeah, why is it so? Forgetfulness is but a process. Why is it so that people always like to forget the earlier film? Like you prefer, you're talking about Badlapur just now. You said, why is it so? Because I think this is not only a thing with movie makers or like actors and stuff. I think it's a part of our country. And I believe in forgetting. जो past में था ना वैसे तो past life में भी जा सकते हैं regression. क्यों जाके जी हम लोग अतीत में. जो future है, जो present है, उसको पकड़ के चलना चाहिए. And the present and the future is ABCD2. Like the first shot, if you see those CG robots, that's probably the future. That's not come to our country. But uska ek jhalak milega aapko dekhne ko ABCD2. So we are trying to move cinema ahead, be progressive. Badlapur ek alag genre thi, alag film thi. But mera yehi attempt hota hai ki har film mein ek naya genre, ek kuch naya karne ke liye. And ABCD2 is a brand new genre. I don't think koi bhi actor aap dekhoge aaj ke time mein koi dance genre ka film kar raha hai. I think Shraddha and me are one of the first actors to have picked up that genre. So because we want to take it ahead as a genre. वरुण आपके फिल्मों में आपका नाम जो किरदार का नाम होता है कभी सुरेश कभी राकेश कभी हम्प्टी का राकेश था सीनू रघु काफ़ी लोकल और मतलब आम जनता का नाम होता है इसके भी पीछे कोई वजह है इस पर भी काम चलता है या यूं ही रखते हैं आम आदमी तो जा रहा है हर जगह दिल्ली से लेके देख लो आप आगे चल रहा है You have recently launched your own clothing line, that's Imara. So, do you see yourself as a full-fledged designer? And if yes, who would you see yourself to? Who would you see to muse first? I would muse Varun, and actually the whole team. I wouldn't mind. Varun, should I style you for your promotions? Please do. I think my stylist is. Only problem is Imara is a girl's brand, so we'll have to make a male line for him. क्योंकि आप लोग ने गाने के बारे में बात की है तो मैंने श्रद्धा को फोर्स किया था उसने ना बोला था बट आई पुट ऑन द स्पॉट इफ शी कैन हम अ लिटिल बिट ऑफ बेजुबा जस्ट द ट्यून इफ यू कैन जस्ट हम द ट्यून फॉर ऑल ऑफ अस हमारे दर्शकों वाले प्राची के फॉर प्राची लुक एट प्राची नो नो आई कैन सिंग मैन यू सिंग We'll just sing it together, come on. Bezuban kab se Koi gaana sunke gir gaya kya? Itna bura nahi gaati hu yaar. Unless that was a good reaction. Are you okay? Hey bhai, niche bhai. Pakka? Ice pack? Six pack? Rally spray? Kuch? Okay. वरुण
Shraddha, left side mein aapke because sorry, on that note, I'd just like to sort of tell our partners at Zee Music that we'll do an unplugged version of that as well. So it's coming up. Right now the decision has been made. Varun said, मुझे ही नहीं पता था. अच्छा पूरी टीम को एक सवाल है मेरे यहाँ से. प्रमोशन में बोर नहीं करेंगे. प्यार आपने किया है, एक्शन आपने किया है और डांस भी आपने किया है. इन तीनों में से अगर एक को चुनना हो तो क्या रीजन देंगे उसमें, क्या क्यों? श्रद्धा नहीं चुन सकते क्योंकि ABCD2 में ये सारे एलिमेंट्स हैं जैसे आपने ट्रेलर में देखा. सो एवरीथिंग इज देयर, सो वेरी कांट चूज यार. आप डांस? आई चूज डांस क्योंकि डांस में एक्शन है, डांस में प्यार है, डांस में कॉमेडी है, डांस में इमोशन है, डांस में सब कुछ हो सकता है. एंड दैट डांस इज लाइक इट्स अ लैंग्वेज व्हिच आई थिंक हमारे देश में बहुत टाइम से रहा है. एंड आई थिंक वी गेट टू सी इट. रेमो सर आप बहुत अच्छे हो गए यार, मेरे को भी लग रहा है पहले फिल्म से बहुत उन्नति की मैंने. रेमो सर आप भी इसका जवाब देंगे? आई थिंक दे दिया है, मैं भी शायद वही बोलता डांस. अगर प्रभु से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे. I have to actually tell you a story. You know, first time I met Prabhu sir, I was performing at the Zee Cine Awards only, जो हमारे partner and took the music. Thank you Zee. And I was very nervous. I was with a friend and obviously Prabhu sir was there. I was like, I want to dance. Prabhu Deva will be sitting and all. मैं नाचूंगा. And my friend surprised me. He got Prabhu sir to the green room. So I was changing. So I saw him and I got shocked. करो यार. अच्छा मेरे को लगता है वो भूज गया है पीछे से. दिख रहे हैं ना हम लोग थोड़ा तो बढ़िया. बंद हो गया पीछे से कुछ, वो चेक कर रहे हैं बट एनीवे. तो मैंने प्रभु सर को मतलब आई वांटेड आशीर्वाद लेना था मुझे, तो मैं नीचे झुका मतलब पैर को टच करने के लिए और प्रभु सर ने एक्चुअली ये कर दिया. सो दैट वॉज हिज आशीर्वाद. जानते पहले से डेटिंग क्यों बोलने देना. I want him to say something. I know you believe in showing. You said I do not to tell but to show. She was the answer. In the dialogue you said, Varun, you're pervert. Last two questions, please. Shraddha and Varun, this is my question to both of you. सर आप बोलो ना कुछ कुछ सवाल. अरे वी डोंट अंडरस्टैंड यार. हिंदी हिंदी वो बोल रहे हैं ना, डांस इज एन एसिमिलेशन ऑफ रोमांस ड्रामा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. यू आर एन आइकॉन as a dancer, choreographer. No. So please elaborate. First of all, after dancing with these new boys, I felt I'm not an eagle, I'm still a newcomer, like, because they are too good in the film. And from birth to death, death dance. That's all I think. Shraddha and Varun, one last style tip for the summer. Designer yeh bolegi. I mean to say, what to stay in the ACs. And जिसके पास AC नहीं है कम कपड़े पहनो. Good one. So we are done. Okay, thank you so much, guys.